हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी मौर्या, आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में साथियों, आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम भारतीय संविधान से संबंधित नागरिकता को मैंने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप जाके वहाँ देख लेंगे। साथियों, भारतीय संविधान में यह ऐसा टॉपिक होता है, भारत के राष्ट्रपति, जो कि इसके प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे भी। इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होता है। आगे प्रश्न में आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रपति। अब पहला प्रश्न है साथियों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। साथियों तीसरा है क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक साथी होता है राष्ट्रपति। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने छात्राएं हैं वो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करें और कमेंट करिए। चलिए हम प्रश्न देखते हैं अब आगे। तो अगला प्रश्न साथियों, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए सर। अब राष्ट्रपति का चुनाव, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। इसका मतलब होता है साथियों, जैसे हम आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तो यही विधायक सांसद जा करके राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। जब 5 साल पूरा होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव होता है। उसके बाद फिर जो है राष्ट्रपति अपना, विभिन्न पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती हैं, तो उसमें सभी विधायक सांसद वोट देते हैं। तो जिसका वोट ज़्यादा निकल जाता है वही जो है राष्ट्रपति पद के लिए सुशोभित होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। देखो आगे प्रश्न, अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में। अब अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष। देखो आ गया अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा महाभियोग चलाकर। मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं या देश की जनता के विपरीत काम कर रहे हैं, तो उस पर सांसद को एकजुट होकर के अपना जो है मत प्रयोग करके उनके विपरीत में उनको हटा दिया जाता है, यानी महाभियोग चला दिया जाता है उसको। अब तो उसके बाद पद से हट करके उसके बाद 6 महीने बाद फिर चुनाव हो जाता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है राष्ट्रपति में। तो अगला देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? देखिए संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी भारतीय संविधान जब खतरे में हो और राष्ट्रपति कुछ न करें
तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसकी वजह कहाँ लिया गया था, ये अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से। अब साथियों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है साथियों? यानी सर्वोच्च न्यायालय जो मेन जज है, वही जो है इनको शपथ दिलाता है। अब प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है, शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। आप जानते हैं भारत देश में एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रतिनिधि विशेष तौर पर करते हैं। अब अगले प्रश्न है, देखो, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब अगला प्रश्न है साथियों, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? यानी निर्विरोध का मतलब है, जैसे आपने गांव में क्या होता है, पर्चा किसी ने दाखिल कर दिया प्रधानी का, और कोई प्रधान कैंडिडेट ना खड़ा हो तो उसे क्या करते हैं, उसे निर्विरोध चुन लिया जाता है, वहाँ पे चुनाव नहीं होगा निर्विरोध। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे? नीलम संजीव रेड्डी, इनके सामने कोई पर्चा दाखिल नहीं किया था, तो निर्विरोध चुने गए थे। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार के। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य थे? बिहार के। यानी स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यही थे, ये जो है बिहार राज्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार राज्य थे। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी जो है राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने थे पहले। उसके बाद फिर एपीजे अब्दुल कलाम भी बने थे। अब भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न है साथियों, अब प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। कि कोई नियम कानून पास होता है, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद फिर जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति पास करेंगे तब जाके कोई कानून लागू होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्य? 14 सदस्य साथियों मनोनीत कर 14 सदस्य। अब अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। अब अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? हिदायतुल्ला। अब अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो धन विधेयक। युद्ध, अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। अब अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। मान लो कोई आदमी गलत काम कर दिया, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अगर उसको
कहीं भी राहत नहीं मिलती तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको जो है क्षमादान दे सकता है, यानी राष्ट्रपति में इतनी ज़्यादा ताकत होती है, पावर होती है। अब अगला क्या है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम। अब अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। अनुपस्थित यानी भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति न रहें पद पर, तो उस समय कौन काम करेगा उनका, ये पूरा कार्य करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सारे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कार्यभार जो होता है संभालते हैं। अब अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, विधायी अधिकार, विधायी अधिकार। अब अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, आ गया ना देखो, सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा, सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा, उसको हम आप नहीं चुन सकते, क्योंकि अगर हम आप तभी चुनेंगे जब हम आप विधायक हों या सांसद हों तभी चुन सकते हैं, इसलिए जो अब जनता वोट डालती है सांसद विधायक बना के बनते हैं, तो यही सांसद विधायक जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। तो अब अगला है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणराज्य में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी, तो 12वीं राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल जो है 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अब अगला साथियों क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दो बार चुने गए थे। अब अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। अब भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, संवैधानिक मतलब जो संविधान की रक्षा करे, क्या होता है, राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ, तो संविधान सभा द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा किसका चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है चयन हुआ था संविधान सभा द्वारा। अब भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य को। अब क्या है साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, यानी 150,000 ये पहले का है लेकिन अब बढ़ गया है, और अब तो और बढ़ गया है, अब करीब है 5 लाख के करीब है वेतन। अब देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसने समय, यानी कितने समय के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन, 3 वर्ष, 3 वर्ष ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने हैं, कितने समय तक रहता है, 3 वर्ष। अब अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है, तो ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो कैसे होता है साथियों, तो अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है, तो 50-50 यानी 50-50 होती है, 50-50। अब भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। अब राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है, 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति पद जो है भर दिया जाता है, क्योंकि चुनाव हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों, अब राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय की, 6 महीना तो हो गया था,
अब उसके बाद और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। यानी भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। यानी अगर राज्यपाल अच्छा काम कर रहा है तो पद पर रह सकता है। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची, मैंने बताया था ना, संघ क्या है, केंद्र सरकार है, समवर्ती क्या है, राज्य व केंद्र दोनों होते हैं इसमें समवर्ती सूची में, क्योंकि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है, राज्य सरकार करूँ केंद्र सरकार बनाती है करूँ, राज्य सूची में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाता है। तो साथियों, यहाँ तक आप जो है इसका अध्ययन कर लिए हैं और इसके आगे की वीडियो हम बना के जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू।